खबर है सुल्तानपुर से। योगी सरकार के लाख दावों के बावजूद नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा और न इसमें शामिल अधिकारियों कर्मचारी सुधरने का नाम ले रहे। तिलार सुल्तानपुर में तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भविष्य में शासन द्वारा जमीनी कम से कम करने के लिए महत्वाकांक्षी घरौनी योजना चलाई गई है, जिसमें गांव में रहने वाले और कब्जेदारों का रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा, लेकिन इसमें भी लोगों को जमीन दर्ज करने के नाम पर लेखपाल द्वारा जमकर वसूली की जा रही है, जिसका वीडियो और आइडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे सुल्तानपुर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर का यह मामला है सदर तहसील स्थित हसनपुर गांव का है। इस गांव में सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना के तहत घरौनी का काम किया जा रहा है। यहां के लेखपाल शशि कुमार इस उद्देश्य से लगाया जाए कि ताकि समय और ईमानदारी से घरौनी का कार्य संपन्न कराया जाए, लेकिन शासक की मंशा के बजाय वो अपना ही साध में लगे हुए हैं। लोगों से घरौनी दर्ज कराने के नाम पर लेखपाल गाँव वालों से जमकर वसूली कर रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सदर एसडीएम सीपी के पाठक लेखपाल शशि कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल शशि कुमार का पैसे का लेन देन का आइडियो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार्रवाई की बात भी कही गई है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। बीच में लिया कर पैसा। अब जब वो हुए तब नमस्कार सर। नमस्कार भैया, कत्थुक भाई बोल रहे थे इमामगंज से। हाँ भैया बताओ। हाँ वही भैया सऊदी से पैसा भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, घरौनी वाला 10,000 रुपया। हाँ हाँ हाँ, समझे। पप्पू बोल रहे हैं, पप्पू छोड़ भाई। अच्छा अच्छा, कहाँ है मौके पे? कहाँ मिली है आप? लगता है हम तहसील में है। तहसील में है। हेलो, मत आइए, हो सकता मैं उधर आऊँ तो फोन करूँगा। 10,000 रुपया है। हाँ हाँ, मत आइए। नहीं आए? हाँ आइए, मत, हम आएंगे तो फोन करेंगे। ठीक ठीक ठीक।